नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम SIS लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि स्टॉक का प्राइस लिस्ट होने के बाद एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था एंड फाइनली प्राइस उसी डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेकआउट कर दिया है एंड जिस टाइप का प्राइस सेटअप शो कर रहा है आने वाले टाइम में कॉन्टिन्यूशन मूव अपसाइड की तरफ आ सकता है। सेटअप को डिटेल्स में कवर करते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है 7520 करोड़ का, कंपनी के पास रिजर्व कैश है 2403 करोड़ का, करंट प्राइस चल रहा है 516 एंड इसका जो बुक वैल्यू है 170, तो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे बन रहा है 3.04। अगर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 71.6%, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, एबव 50% मार्क है। डेप्ट इक्विटी 0.7, जो कि मैनेजेबल है, किसी भी स्टॉक का डेप्ट इक्विटी बिलो 1 हम उसको मैनेजेबल कंसीडर कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड कंपनी शेयर कर रहे हैं 0। अगर लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे 5.81%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 9% एंड लास्ट 1 ईयर से स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं 38% के आसपास। अभी तक लास्ट 5 ईयर का टाइम फ्रेम में उतना बड़ा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन जिस टाइप का अभी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, डाउन ट्रेंड चैनल को प्राइस ब्रेक किया है, आने वाले टाइम में स्टॉक के लिए अच्छा टाइम आ सकता है। अगर अभी हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सेल्स लगातार ग्रो कर रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे, लास्ट 3 क्वार्टर का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है फ्लैट है, ग्रोथ में फ्लैट है। सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड इसका जो रिजल्ट आएगा 30 जनवरी को। अगर यहाँ पे रिजल्ट में कुछ अच्छा देखने को मिलता है, जैसे कि EPS में ग्रोथ देखने को मिलता है, तो स्टॉक और भी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है एंड उसका इनिशियल साइन अभी देखने को मिल रहा है। जैसे कि प्राइस हमेशा से फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है, जिस टाइप का अभी प्राइस रिजल्ट आने से पहले आउट परफॉर्म कर रहा है, लग रहा है कि इसका EPS में अभी ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग लास्ट 3 क्वार्टर से ग्रोथ फ्लैट है। अभी चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। देखिए यहाँ पे प्रमोटर के पास माल है 71.58%, जो कि गुड साइन है। FI होल्ड कर रहे हैं 16.4%, बहुत ही अच्छा है। DA के पास माल है 3.17 एंड पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 8.84%, जो कि पॉजिटिव साइन है एंड रिटेल पब्लिक यहाँ पे शेयर होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन बिलो 20% आप उसको एक पॉजिटिव साइन ले सकते हैं एंड स्टॉक में तो रिटेल ओनली होल्ड कर रहे हैं 8.8% के आसपास। उसके साथ इस स्टॉक का प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग सेटअप दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए जो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है एंड रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे 8% के आसपास, प्रोमोटर होल्ड कर रहे हैं 71% एंड चार्ट सेटअप बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। सारा पैरामीटर देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन रहा है आने वाले टाइम में कॉन्टिन्यूशन मूव का। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है SIS लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली, जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए हैं कि प्राइस ऑलवेज एक चैनल को फॉलो करता है। अगर ऊपर जाएगा अप ट्रेंड चैनल, नीचे आएगा डाउन ट्रेंड चैनल, कंसोलिडेशन करेगा तो एक फ्लैट चैनल। क्लियर कट देखिए, प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था एंड इस चैनल का अपर बाउंड्री को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। प्रीवियसली देखिए, प्राइस जब भी अपर बाउंड्री के आसपास जा रहा था, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड लोअर बाउंड्री के आसपास मल्टीपल टाइम डिमांड देखने को मिला है एंड फाइनली देखिए प्राइस इस चैनल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है इस वीक में। एंड जो ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने से पहले देखिए प्राइस यहाँ पे एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा था एंड कंसोलिडेशन के बाद फाइनली यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक कर दिया है। जिस टाइप का चार्ट सेटअप शो कर रहा है, प्राइस जो है उसका प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो कि लेवल बन रहा है 448। जिस टाइप का अभी चार्ट सेटअप बन रहा है, जिस टाइप का प्राइस रेंज को ब्रेक किया है, अगर प्राइस यहाँ पे 448 लेवल को ब्रेक कर लेता है, उस केस में चार्ट सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, नहीं तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस उसका लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है, जो कि लेवल बन रहा है नियरली 690 एंड जैसे ही प्राइस यहां पे इस लेवल को कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करेगा, फिर से फर्दर अप मूव आ सकता है, लेकिन अभी के लिए प्राइस जाकर डायरेक्ट 690 लेवल को टेस्ट कर सकता है, जो कि लाइफ हाई है। अगर प्रीवियस स्विंग लो को प्राइस ब्रेक कर लेता है 448, ये चार्ट सेटअप यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे कंटिन्यूशन मूव आ सकता है, जिस टाइप का हाई राय फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड आज उजल हमेशा से तो क्वांटिटी को मैनेज करना है। मैं ऐसा करता हूँ, आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।